क्या कोई भी सिंगर बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल, बाथरूम में तो। एक मूवी में गाना गाने के लिए कोई भी सिंगर कितने पैसे चार्ज करते हैं? एनीथिंग बिटवीन नथिंग टू 15 लाख 20 लाख। अगर मेरा आवाज अच्छा नहीं है तो भी मैं गाना गाकर सॉफ्टवेयर से उसे अच्छा कर ही सकता हूँ ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके अगर मुझे सिंगर बनना है तो अल्कोहल, सिगरेट और ठंडा पानी तो मुझे भूल ही जाना पड़ेगा ना? नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब देखिए आदत की बात होती है। अब आप हमेशा ठंडा पानी पीते हैं और एक दिन गर्म, हमेशा गर्म पानी पीते हैं और एक दिन ठंडा पानी पी लेंगे तो गला बैठ जाए। अगर आपको आदत है ठंडा पानी पीने की तो आप व्हाई नॉट, बाकी चीजों के लिए नोट पड़ी। आपके करियर का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है? दिस एक्चुअली राइट नाउ दिस इज माय फेवरेट मोमेंट, टुडे वी रिलीज्ड एन ट्रेलर टू माय एल्बम। आज हमारे साथ कौन जुड़ा है और हम क्या बात करने वाले हैं उसको लेकर आपको थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा। इसी की डिटेल में बात करने के लिए ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात कहूंगा। आप देख रहे हैं एक बात को ऑन vtvgujarati.com और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान जुड़े हैं। आप इनको जानते ही हैं, इनके काफी सारे गाने आपने सुने हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जुबिन नौटियाल जी और इनको अभी रिसेंटली आईफा अवार्ड भी मिला था राता लंबिया, और बहुत सारे गाने हमने सुन सुन के हमारी लाइफ चेंज कर दी है। तो सर सबसे पहले मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपका करियर जो ये बना है म्यूजिक फील्ड में, प्लेबैक सिंगिंग में, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसे देंगे? देखिए मैं जो भी आज हूँ अपनी लाइफ में, मैं उसका क्रेडिट देना चाहूँगा अपने माता पिता को, क्योंकि माता पिता के सपोर्ट के बिना बहुत बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकती। यस माय मॉम एंड डैड। आपके करियर में ऐसा कोई पॉइंट आया होगा जब आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया होगा, जो डिसीजन की वजह से आप जहाँ है वहाँ है, तो वो कौन सा डिसीजन था कि यहाँ अगर मैंने और कुछ चूज कर लिया होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता? मैं बचपन से ही बहुत क्लियर था काफ़ी चीज़ों को लेकर के, सो मुझे नहीं पता आपके व्यूअर्स जानते हैं मेरे बारे में या नहीं, पर आई हैव डन माई MBA, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, माई फादर हैज़ बीन एन एक्टिव पॉलिटिशियन ऑल्सो, आई हैव डन डिस्ट्रिक्ट्स इन शॉर्ट पट एंड डिस्कस, आई हैव प्लेड नेशनल्स इन शूटिंग, आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन मिक्स मार्शल आर्ट्स। सो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने चूज करा कि म्यूजिक करना है एंड दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। कितने सालों की आपकी प्रैक्टिस रही है म्यूजिक में, मतलब आप व्हेन डिड यू स्टार्ट, कौन सी एज थी आपकी? सो मैं बचपन में बहुत ही बदमाश लड़का हुआ करता था, मैं सब तोड़ फोड़ देता था। अपनी बहन के खिलौने, अपने खुद के खिलौने, कुछ भी मुझे ला के नया दोगे मैं तोड़ उसका ऑपरेशन कर देता था। सो माई मॉम गॉट वरिड कि एक टेररिस्ट तो नहीं बन जाएगा। सो उनको लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये काम डाउन हो जाएगा, एंग्जाइटी इसकी काम डाउन हो जाएगी, तो उन्होंने फिर मुझे इंस्ट्रूमेंट्स देना शुरू करा एंड फ्रॉम द एज ऑफ 4 or 5 वो एक म्यूजिक का इन्फ्यूजन मेरी लाइफ में शुरू हो गया। बस उसके बाद से I'm still on that path. Rest is history. आपके करियर में जितने सॉन्ग्स आपने गाए हैं उसमें से आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? वाह देखिए वो गाने मैंने गाए इसलिए क्योंकि वो सारे मेरे फेवरेट्स हैं, पर हमनवा मेरे एक बहुत खास गाना है मेरे लिए। इट वाज माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो सिंगल, आज भी वो गाना बहुत अप्रिशिएट करा जाता है, सुना जाता है, सो इट्स आई फील इट लाइक अ बिग अचीवमेंट। थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि आपने एक ट्रेलर लॉन्च किया था, आपका एक अपकमिंग शॉर्ट फिल्म, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म आ रही है, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है तुम्हारे हो तो, ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस में बना प्रोजेक्ट है। इसका म्यूजिक करा है रॉकी खन्ना और मैंने और रॉकी भाई ने इसमें साथ में काम करा है, हम लोग साथ में म्यूजिक करते हैं। हमनवा मेरे इज ऑल्सो सॉन्ग दैट वी डिड टुगेदर। ओके, तो इसको पूरी एल्बम को लिखा रॉकी भाई ने और इस गाने में इसमें सारे गाने गाए मैंने। फिल्म को डायरेक्ट करा है ज्योति कपूर दास, शी इज अ वेरी गुड अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जिन्होंने पिक्चर बनाई है चटनी, देखी होगी आपने यूट्यूब पर, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है चटनी नाम से, बहुत सुंदर फिल्म और प्लस माइनस, सो कुछ एक अलग ही कुछ बन गया ये बेसिकली ना। इसको आप
ना फिल्म बोल सकते हो ना आप इसको एल्बम बोल सकते हो, बट अगर आप 6 गानों को लाइन से लगाएंगे एक के बाद एक के बाद एक, तो आपको एक पिक्चर डेफिनेटली दिखाई देगी, एक नैरेटिव ज़रूर सुनाई देगा। और इसमें मेरी पार्टनर इन क्राइम है श्रेया चौधरी, शी इज़ प्लेइंग द लीड मेरे सामने। और अच्छा है, हार्ट ब्रेक एल्बम है, हमने बहुत ही प्यार से बनाई है, बहुत ही मेहनत से बनाई है, और थोड़ी ओल्ड स्कूल जैसे बोलते हैं ना, एक वक्त के प्यार के ऊपर बनाई है। 1980s का इश्क भी इसमें दर्शाया गया है, इसमें 2000 का भी इश्क दर्शाया गया है, इसमें 2022 का भी इश्क दर्शाया गया है। टाइम बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, प्यार भी हो रहा है, अलग अलग तरह से हो रहा है, लेकिन ना उसके ऊपर कहानी बनाई गई है। और उसको म्यूजिक से एंटवाइन करके लिरिक्स के साथ उसको क्रिएट करा गया। सो टुमारो इस प्रोजेक्ट का नाम है तुम्हाए हो तो, और कल इसका पहला गाना आ रहा है जिसका नाम है ऐसी तेरी याद। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट 100%। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ऐसी एक रोमांटिक जर्नी, आई थिंक इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे, के बहुत सारा म्यूजिक मैं देख रहा हूँ कि अलग जॉनर पे शिफ्ट हो रहा है, रोमांटिक गाने ज्यादा रीमेक हो रहे हैं काफी सारे गाने, पर रोमांटिक गाने आ नहीं रहे जी। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड गिव यू ऑल द बेस्ट विशेस। आपको एक और भी चीज बताना चाहूंगा इस एल्बम के बारे में कि इसको बनाने के पीछे ना एक ओल्ड स्कूल, इसको हमने बहुत ही पुराने ख्यालातों से बनाया। ओके, देखिए आज की तारीख में अगर आप देखें तो एक सेट स्टैंडर्ड हो गया कि 3 मिनट से ऊपर गाना मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ। 3 मिनट, 3.5 मिनट मैक्स। हाँ। पर हमने ये सब सोचा नहीं, क्योंकि जो ग्रेट म्यूजिक बना है पास्ट में, जो मेरे आइडल्स ने म्यूजिक बनाया, अगर हम रफी साहब की बात करें, किशोरदा की बात करें, जिस तरह के गाने उस वक्त गाए गए, वो बहुत ही प्यार और शिद्दत और सच्चाई से बनाए गए हैं। उसमें बहुत दिनों तक, महीनों तक मेहनत करी गई है, उसके बाद बहुत कमाल के म्यूजिशियन साथ में आए हैं और फिर उन्होंने उस चीज़ को रिकॉर्ड करके बनाया। शायद इसीलिए आज भी वो इतना स्पेशल है, आज भी इतना वैलिड है, आज भी इतना सुना जाता है, प्यार करा जाता है। तो इस एल्बम के पीछे ये विचार था मेरा और रॉकी भाई का कि हम लोग इसको नियमों के हिसाब से नहीं बनाएंगे, इसमें हम नियम तोड़ेंगे, इमोशंस, इसमें सिर्फ इमोशन पे चलेंगे हम लोग। और इसलिए अगर आप एल्बम, जब आप पूरी एल्बम सुनेंगे तो उसमें हैं गाने, 5-5 मिनट के गाने भी हैं, और पूरी स्टोरी टेलिंग आपको महसूस होगी गाने में, लिरिकल जो उसकी वैल्यू है, जो उसके शब्दों में जो ताकत है, वो बहुत आपको महसूस होगी इसमें। सो या, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। टुमारो यानी 23 नवंबर 2023 को ये पहला गाना रिलीज होगा। अब मुझे अपकमिंग सिंगर्स के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जी जी, जरूर। अगर आप समझ लीजिए कोई भी सिंगर बनना चाहता है तो उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे, कब से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है? देखिए, सिंगर बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक्चुअली तीन चीजों की जरूरत है, सुर, ताल और भाव। सुर पे काम करना पड़ता है, ताल पे काम करना पड़ता है, और भाव पे काम करना पड़ता है। तो सुर ताल एक ऐसी चीज है जो सिखाई जाती है, अगर बचपन से आप सुर ताल पे काम करें तो आप उस पर बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन भाव एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी की जर्नी से समझ में आता है, जो आपकी खुद पर्सनल आप बीती है उससे समझ में आता है भाव। जहां ये तीन चीजें मिल जाती है, बस वहां पर एक ऐसी आवाज बन जाती है जो लोगों के साथ सालों साल तक जीने वाली है। सो जितने भी अपकमिंग सिंगर्स हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सुर ताल पे, मैं जानता हूँ आप डेफिनेटली काम करते होंगे, मेहनत करते होंगे, ये सॉफ्टवेयर्स के चक्कर में ना जाएं। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको मदद करने के लिए है, गाड़ी आपको ही चलानी है इवेंचुअली। अगर सॉफ्टवेयर गाड़ी चलाने लगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर सॉफ्टवेयर को नहीं पता कहाँ पे ब्रेक मारना, आपको पता है कहाँ पे ब्रेक मारना। सो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है सारे सिंगर्स के लिए। तो सुर ताल डेफिनेटली पकड़ के रखे, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमेशा अंतर रहेगा एक सॉफ्टवेयर में और एक इंसान में, उसको बोलते हैं भाव। वो सॉफ्टवेयर आपको भाव नहीं बना के दे सकता, वो आपका सुर ताल ठीक कर देगा लेकिन आपको भाव नहीं दे सकता। तो भाव एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली एक सिंगर क्रिएट करती है। और अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अपने किड्स को सिंगर बनाना है, तो उनको क्या ध्यान रखना है? जितनी कम उम्र में, देखिए संगीत जो है, सबसे पहले कोई भी आर्ट फॉर्म है उसको परस्यू ऐसा नहीं करना, उसके पीछे ऐसे नहीं जाना कि हाँ मैं कल को सिंगर बनूंगा या मैं कल को पेंटर बनूंगा। आर्ट फॉर्म ऐसा नहीं होता, आर्ट फॉर्म पैशन से होती है, और आर्ट फॉर्म वहां से बनती है, इंटरेस्ट से बनती है। जैसे आप उसको करियर की तरह अपने बच्चों की लाइफ में डाल दोगे
तो फिर वो एक बैगेज बन जाएगा उनकी लाइफ में, एंजॉय करना बंद कर दे, एंजॉय करना बंद कर दे। और आर्ट फॉर्म में इंसान ग्रो ही तब करता है जब उसको मजा आता है उसमें, जब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तो 2 घंटे के लिए बैठा था गिटार लेकर के, यहाँ 8 घंटे कैसे हो गए। ये जो जर्नी है वो एक्स्ट्रा 6 आवर्स जो वो बजा गया, संगीत उसमें बनता है। अगर आप शॉटपुट डिस्कस थ्रो नहीं करते, अगर आप और दूसरी टाइकोंडो नहीं करते, सिर्फ सिंगिंग में ध्यान देते, तो शायद आपका सिंगिंग यहां तक नहीं पहुंचता। हाँ, फिर शायद प्रेशर हो जाता। हाँ, मुझे लगता है फिर उसमें प्रेशर आ जाता, बहुत सारी टेक्निकलिटीज आ जाती। मैंने तो सिर्फ संगीत को इंजॉय करा और आज भी इंजॉय कर रहा हूँ। और मैं छाती ठोक के ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं संगीतकार नहीं भी बन पाता तो भी मैं संगीत कर रहा होता शायद। इसीलिए आज आप संगीतकार बन चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इन द सिंपलेस्ट वे, मतलब जिसे मैं कहूंगा, मैं ये कह सकता हूँ कि चलिए ठीक है, अभी तो हम लोग स्टेडियम्स में शो बजा रहे हैं, बट अगर मैं नहीं होता संगीतकार तो शायद मैं किसी कैफे में बजा रहा होता, लेकिन मैं बजा रहा होता, बिकॉज़ आई लव। व्हाट अ ग्रेट थॉट। हां, लास्ट क्वेश्चन जी, एक सिंगर की इनकम स्ट्रीम्स कौन कौन सी होती है, मतलब कहां से पैसे आते हैं? बहुत सारी। गुजरात में हो आप, गुजराती हूं मैं, मुझे तो ये जानना है। देखिए, सिंगर के लिए पहले सिर्फ लाइव शोज होते थे, बट अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो सिंगर्स के लिए बहुत सारे जरिए खुल गए, और सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं, हर आर्टिस्ट के लिए जरिए खुल गए बहुत सारे, कि अपनी आर्ट को किस तरह से वो मोनेटाइज करके अपनी पॉकेट में टू ब्रेड एंड बटर भी अपना कमाया जा सकता है। पहले सिर्फ शोज होते थे, अब स्ट्रीमिंग से भी आपको पैसा आता है, यूट्यूब से भी आपको पैसा आता है आपका, अगर गाना सुना जा रहा है, उसके अलावा ब्रांड्स आपको पैसा देते हैं। सो मुझे लगता है दुनिया ना अभी कैसे कैसी जगह पहुंच गई है जहाँ पे ब्रांड बिकने लग गया, जितना बड़ा ब्रांड है उतना ही सबको, बाकी सब उसके अराउंड ही अलाइन करता है। तो डेफिनेटली सिंगर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए भी बहुत सारे जरिए बन गए पैसा कमाने के। और सबसे पहले जब मैं, अगर जैसे 10-15-20 साल पहले की बात करूँ, अगर उस टाइम पे मेरी कॉलोनी का कोई बंदा आके बोलता था कि मुझे सिंगर बनना, तो कहाँ बोलते थे, शक्ल ही नहीं, पढ़ाई कर, कहाँ, बॉम्बे जाएगा तू? बॉम्बे एक बहुत दूर महसूस होता था, ऐसा लगता था कहाँ बॉम्बे जाएंगे, इतना बड़ा शहर, हम तो खो जाएंगे उसमें। पर वो चीज़ ख़त्म हो गई है, दुनिया छोटी हो गई है, इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट ने ताकत दिखाई है एक आर्टिस्ट को, कि आज की डेट में अगर एक लड़की अगर सही भाव के साथ आंखें भी मटका देती है तो वो नेशनल सेंसेशन हो जाती है। तो हम ऐसे टाइम पर है जहाँ पर हमको कोई बहुत बड़ी मनी सपोर्ट और इस तरह का सपोर्ट नहीं चाहिए अपनी आर्ट को बाहर निकालने के लिए। हम ऐसे टाइम पर है जहाँ पर अच्छी आर्ट बाहर आएगी तो चलेगी। सो वो बहुत अच्छी चीज होगी, तभी आप देखिए आज कितने आर्टिस्ट हो गए हैं। अभी हर कैफे में कोई ना कोई गिटार लेके बजा रहा है, हर जगह संगीत का सेवन हो रहा है, हर जगह लोग अलग अलग फॉर्म सुन रहे हैं। पहले क्लासिकल नहीं सुनते थे, अभी मैं देखता हूँ लोग क्लासिकल म्यूजिक सुनने लग गए, घर पे बुलाते हैं, कवाल्स को बुलाते हैं घर पे भी सुनाइए, या राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनाते हैं। सो बहुत बिजनेस हो गया अभी, मतलब आर्टिस्ट की डिमांड हो गई है लोगों को लाइव म्यूजिक सुनना, और लाइव म्यूजिक में ट्यूनर नहीं लगता। तो सॉफ्टवेयर की बात वापस आ गई है। जुबिन नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने मुझे सिंगर्स को लेकर के, सिंगर्स की इनकम स्ट्रीम को लेकर के, इससे आपको कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा। अगर आ इन्फॉर्मेशन तमने गमी छे, आ इन्फॉर्मेशन थी कहीं नवू जाणवा मळ्युं छे, अने तमारे जो अगर जुबिन नौटियाल जी नु तुम आए हो तो जोवुं छे, तो आवतीकाले 23 નવેમ્બરે પહેલું ટ્રેક રિલીઝ થવાનું છે યુટ્યુબ પર, એ સર્ચ કરી દેજો અને મને અહીંયા કહેજો કે તમને કેવું લાગ્યું છે। સરની વાતો તમને ગમી જશે, આપને અમે સમય દિયા, બહોત મજા આયા, થેન્ક યુ સો મચ, ઓર ઓલ ધ બેસ્ટ આપકો યે લોન્ચ કે લિયે। થેન્ક યુ સો મચ।